हाय दोस्तों, कैसे हो आप सर? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी एकदम बढ़िया हैं। और ये देखिए कितना ठंडा हो रखा है मौसम, क्योंकि रात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, तो अभी भी मौसम काफ़ी ठंडा बना हुआ है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और हम लोगों ने तैयारी कर ली है, क्योंकि आज जो है मेरे फादर इन लॉ हैं, उनका श्राद्ध है। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज के श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने जो पितर होते हैं उनको क्या कर देते हैं, पुड़की देते हैं। हम लोगों के यहाँ पुड़की बोला जाता है, और वैसे बोला जाता है कि श्राद्ध देना। दोस्तों, श्राद्ध के टाइम पे हम लोग पुड़की बनाते हैं, एक गाय के लिए बनाते हैं, एक चिड़िया के लिए बनाते हैं, और एक पितरों के लिए बनाते हैं, और एक लास्ट की जो पुड़की होती है वो कुत्ते के लिए बनाते हैं। तो हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं आज की पुड़की की, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखिए कैसे हम लोग अपने पितरों को पुड़की देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं पितृभोग के लिए खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने बना दी है पूरी, आलू की सब्ज़ी और ये खीर। इसके बाद मैंने सबसे पहले चूल्हे में रखा है, उसके बाद ये तीन पत्तों पे रखा है मैंने, गाय माता के लिए, चिड़िया के लिए और पितृभोग के लिए, और कुत्ते के लिए भी मैंने अलग साइड कर दिया है। तो ये रख दिया है मैंने यहाँ पर चिड़िया के लिए, साथ में तो दोस्तों आज मेरे अगले नौ का श्राद्ध है, और ये मैं आज लाइफ में पहली बार करने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले सिर्फ मैंने अपने मम्मी पापा को, अपनी दादी लोगों को, उन्हें ही ये सब करते हुए देखा है। जो मेरे फादर इन लॉ थे, उन समय मुझे उनके साथ रहने के लिए मिला, लेकिन काफ़ी अच्छा रहा मुझे मेरा उनके साथ। दोस्तों, जो ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ये हमारे हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। जैसे कहते हैं ना, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर की मूर्त, ऐसा ही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इंसान जब तक जिंदा रहता है, तब तक उसका सम्मान कीजिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि मरने के बाद अगर आप उसकी सोने की मूर्त बनाकर भी पूजा करोगे तो उसका कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए अपने माँ बाप का सम्मान कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए और प्यार से रहिए। ठीक यही बात माँ बाप पर भी लागू होती है, कि वो अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से रहें, ताकि जब ये समय आता है ना श्राद्ध का समय, बच्चे साफ मन से उनका श्राद्ध करें। क्योंकि जब हमारे हिंदू धर्म में ये सब होता है, हम लोग सब मानते हैं, करते हैं, तो साफ मन से करना चाहिए। कोई भी रिवाज हो, कोई भी पूजा पाठ हो, साफ दिल से करनी चाहिए। माँ बाप का अगर अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार है, तो उनके श्राद्ध के टाइम पे बच्चों को दुख होता है, याद करते हैं वो अपने पेरेंट्स को। लेकिन अगर उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, मन से उनका नहीं करते हैं श्राद्ध। कि ज़िंदगी भर इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया और आज हमें इनका श्राद्ध भी करना पड़ रहा है। तो ये था दोस्तों मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम लोगों ने अपने जो मेरे फादर इन लॉ थे उनको पुड़की दी। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिला होगा कि हम लोग कैसे अपने धर्म के अनुसार, अपने ये जो हमारे रीति रिवाज हैं, ये सब मनाते हैं। तो आई होप आप लोगों ने समझा होगा। दोस्तों, यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।